तो क्या टीवी है ने? थैनोस को भी पकड़ा था रंगे हाथों इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ और उसे अपना प्रिजनर बनाया था। और क्या यहाँ पे लेडी लोकी विलन नहीं बल्कि एक हीरो टर्न होने वाली है? और क्यों लेडी लोकी जो है क्या वो मल्टीवर्स से बिलोंग करती है? अगर वो ऑल्टरनेट टाइमलाइन से बिलोंग करती है या फिर मल्टीवर्स से बिलोंग करती है तो एमसीयू के अकॉर्डिंग अभी तो कोई मल्टीवर्स या फिर ऑल्टरनेट टाइमलाइन है नहीं, तो वो आई कहाँ से? और साथ ही साथ में क्या इम्पैक्ट जो है लोकी का होने वाला है यहाँ पे आने वाली स्पाइडरमैन नो वे होम वाली मूवी पे और साथ ही साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी पे? तो सबसे पहले चलते हैं उस सवाल की तरफ जिस सवाल को पूछ पूछ के आपने मेरा भी दिमाग खराब कर दिया कि लेडी लोकी आखिरकार आई कहाँ से। अगर वो किसी फ्यूचर वाली टाइमलाइन से आई है या फिर अल्टरनेट टाइमलाइन या फिर मल्टीवर्स से आई है तो अभी तो टीवीए के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही सिंगल सेक्रेट टाइमलाइन है जिसमें कोई भी मल्टीपल ब्रांचेस नहीं है। हालांकि एपिसोड 2 के बाद बहुत सारी ब्रांचेस क्रिएट हुई लेकिन लेडी लोकी जो है उन ब्रांच से पहले से एग्जिस्ट करती आ रही है, तो वो आई कहां से? इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं एपिसोड 1 के उस सीन से जहां पे मिस मिनट्स एक्सप्लेन कर रही होती है लोकी को कि किस तरीके से पहले मल्टीपल टाइमलाइंस थी और उन मल्टीपल प्लैनेट्स पे या फिर मल्टीपल टाइमलाइंस की आपस में जो है वो हमेशा से लड़ाई होती रहती थी और फिर आए टाइम कीपर्स जहां पे उन्होंने इन सारी मल्टीपल टाइमलाइंस को जो है एक साथ कन्वर्ट करके एक सिंगल सेक्रेट टाइमलाइन या फिर टाइम फ्लो क्रिएट किया। अब इस सिंगल टाइम फ्लो में हो सकते हैं मल्टीपल यूनिवर्सेस, यानी कि ये जो मल्टीपल यूनिवर्सेस थी ना यही वॉर पे थी, यही मल्टीपल प्लैनेट्स जैसे पैरेलल अर्थ का कंसेप्ट हमें मल्टीवर्स पे देखने को मिलता है। अगर हम साइंस के हिसाब से लॉजिकली देखें तो मल्टीवर्स क्या है, ये यूनिवर्सेस का कलेक्शन है जहां पे उन यूनिवर्सेस में पैरेलल अर्थ हो सकती है, पैरेलल एसगार्ड्स हो सकते हैं, अभी मैं एमसीयू के हिसाब से बोल रहा हूं, तो उसी हिसाब से जो डिफरेंट यूनिवर्सेस है ना ये पहले अलग अलग टाइमलाइंस में होती थी और यही आपस में जो है मल्टीपल टाइमलाइन से आपस में वॉर करती थी। लेकिन यहाँ पे टाइम कीपर्स ने आकर चेंज कर दिया टाइम फ्लो को, एक सिंगल टाइम फ्लो में क्रिएट किया, यानी कि कोई भी मल्टीपल फ्लो ऑफ टाइम नहीं रहा, जिसके बाद जो है मल्टीपल अर्थ्स मल्टीपल एसगार्ड्स एक ही टाइमलाइन में आते हैं और उसी मल्टीपल अर्थ या फिर मल्टीपल एसगार्ड से बिलोंग करती है हमारी लेडी लोकी, जिसको कहा जा रहा है कि ये एनचेंट्रेस सिविल भी हो सकती है, जो कि हमें इस तरह जो है एपिसोड 2 में भी देखने को मिला जहां पे जब केस स्टडी इस वेरिएंट की इविल लोकी की वेरिएंट फाइल स्टडी कर रहे होते हैं तो वहां पे लॉफी डॉटर सिविल लिखा होता है, यानी कि ये हमें डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं ये एक लेडी लोकी का मिक्स हो सकता है और यहाँ पे एनचेंटर्स के कैरेक्टर का मिक्स हो सकता है। अब एनचेंटर्स और लेडी लोकी में फर्क यही है कि लेडी लोकी की पावर इल्यूजन है और यहाँ पे एनचेंटर्स की पावर जो है वो पोजेसिंग पीपल है, यानी कि लोगों को अपने वश में या फिर अपने काबू में करना, तो दोनों कैरेक्टर्स का ही मिक्स हो सकता है। लेकिन ये कैरेक्टर जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है पैरेलल यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जो कि यहाँ पे अभी सिंगल सेक्रेट टाइमलाइन जो है उसी से बिलोंग करती है। लेकिन अब बात करते हैं एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ पे एक्चुअली में मल्टीवर्स का कंसेप्ट है ना में नो वे होम में कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें जिस तरीके से डांबर डोल वाली चीज दिख रही है लोकी के आने वाले एपिसोड में, हमें बहुत सारे अल्टरनेट अर्थ्स और अल्टरनेट टाइमलाइंस जो कि अबनॉर्मल टाइमलाइंस होने वाली है ना वहां पे हमें लोकी ट्रेवल करते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या वही कंफ्यूजन कंसेप्ट हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखने को मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि जो मल्टीवर्स से अगर यहाँ पे स्पाइडरमैन आ रहे हैं या फिर पैरेलल अर्थ से अगर स्पाइडरमैन आ रहे हैं ना, चाहे टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन हो या फिर एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन हो, तो कहीं ना कहीं वो शायद पैरेलल अर्थ वाले स्पाइडरमैन होंगे जो कि सिंगल सेक्रेट टाइमलाइन से ही बिलोंग करते होंगे, ना कि उन एबनॉर्मल टाइमलाइन से जो कि यहां पे हमारी लेडी लोकी ने एपिसोड 2 में क्रिएट की थी, या फिर जो और जितनी भी एबनॉर्मल टाइमलाइंस अभी क्रिएट होने वाली है उनसे वो बिलोंग नहीं करेंगे, बल्कि वो उन टाइमलाइन से बिलोंग करेंगे जहां पे जो है जो कि नॉर्मल टाइमलाइन है, जो कि नॉर्मल पैरेलल अर्थ है। और हाँ, यहाँ पे मल्टीवर्स का कंसेप्ट उतना भी समझना मुश्किल नहीं होगा जितना ये मुश्किल कंसेप्ट समझना होगा हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में, और उस मूवी को भैया आपको बहुत ज़्यादा बार देखना पड़ेगा, यानी कि एक से भी ज़्यादा बार देखना पड़ेगा तब जाके वो मूवी जो है समझ आने वाली है। स्पाइडरमैन नो वे होम को लेके अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार लोकी में तो इतना ज़बरदस्त इतना कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन उससे भी जटिल कंसेप्ट जो है डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में होने वाला है, क्योंकि एक तो यहाँ पे जो ऑल्टरनेट क्योटिक वाली टाइमलाइंस नहीं क्रिएट हुई है ना उसका इफेक्ट जो है सीधा सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ऊपर पड़ेगा, और यहाँ पे वांडा विजन का जो क्लाइमैक्स था जहाँ पे वांडा अपने अल्टीमेट फॉर्म में या फिर अल्टीमेट लेवल ऑफ पावर में आती है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालेगा, क्योंकि एगाथा ने भी उनसे कहा था कि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुमने क्या चीज़ क्रिएट की है, ये स्पेल जो है कास्ट जो तुमने हेक्स पे क्रिएट की है ना या फिर हेक्स पे जो स्पेल लगाए हैं उसकी वजह से
क्या चीज तुमने क्रिएट की है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इससे यहाँ पे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मल्टीपल डोरवेज जो कॉस्मिक बींग्स के है ना वो अर्थ के लिए ओपन हो गए हैं, जहाँ पे अर्थ पे बहुत सारे नाइटमेयर वाले विलन्स या फिर मेफिस्टो जैसे विलन्स जो है वो अटैक करने की कोशिश करेंगे। डोरमामू का डोर जो है वो फिर से ओपन हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ऐसी वाली फीलिंग भी आ रही है। और मल्टीपल टाइमलाइंस तो आपस में है ही है, वहां से भी विलन्स जो है और ज्यादा ताकतवर होकर जो है इनसे मुकाबला करने के लिए जरूर से आएंगे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यहां पे क्या टीवीए ने यहां पे थैनोस को प्रिजनर बनाया था। जैसा कि हमने एपिसोड 1 में देखा था कि किस तरीके से कैसी, जिसके ड्रॉअर में इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हुए हैं कि औकात ही नहीं है उनकी कोई, बल्कि पेपर वेयर्स के तौर पर भी यूज कर लेते हैं। हाँ, हम तो पागल है ना, टोनी ने तो अपनी जान या फिर नताशा ने तो अपनी जान, गुमारो ने तो अपनी जान हवा में दी थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वहां पे जो इन्फिनिटी स्टोन्स है, हो सकता है कि उनमें से जो इन्फिनिटी स्टोन्स एविडेंस के तौर पर टीवीए के पास है ना, उनमें से कोई ना कोई इन्फिनिटी स्टोन थैनोस से भी बिलोंग कर सकता है। ये अब ऐसे हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में या फिर किसी ऑल्टरनेट अर्थ पे या फिर पैरेलल अर्थ पे थैनोस ने ये सोचा हो कि मैं यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करूंगा वर्ल्ड के बैलेंस को फिर से जो है एस्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन वो बैलेंस ऐसा होगा कि मैं डिफरेंट टाइमलाइन से जाकर जो है इन्फिनिटी स्टोन उठा कर ले आऊंगा, जिसके बाद जैसे लोकी नहीं भागे थे 2012 से, वैसे ही थैनोस भी अपनी रियलिटी से भागे यहाँ पे टेसरैक्ट की मदद से, किसी तरीके से उन्हें स्पेस स्टोन के ऊपर हाथ आ गया या फिर पावर स्टोन उन्हें मिल गया, और बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स क्योंकि वो अपनी टाइमलाइन से क्रिएट यहाँ पे हासिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे बींग्स ही इतने पावरफुल थे, शायद हेला भी थी वहाँ पे, शायद यहाँ पे एंशिएंट वन भी था, शायद ईगो प्लैनेट ने भी यहाँ पे रुकावट खड़ी की होगी उस टाइमलाइन में, तो यहाँ पे उसने किसी दूसरी टाइमलाइन में जाने की कोशिश की होगी और यहाँ पे टीवीए ने धर दबोचा, और फिर लोकी के साथ क्या हुआ वहीं थैनोस के साथ भी होगा। हाँ, लोकी बार बार बच गया लेकिन थैनोस को शायद से डिसइंटीग्रेट किया होगा, लेकिन हाँ अगर ऐसा हुआ है, अगर ये चीज़ हमें दिखाना चाहिए चाहे मार्वल या फिर एमसीयू, तो ये हमें व्हाट इफ की एनिमेटेड सीरीज के सीजन 2 में देखने को मिल सकता है, जो शायद अगले साल आए, जहाँ पे हमें एमसीयू जो है टीवीए के रिलेटेड और थैनोस के रिलेटेड स्टोरी चलाए, क्योंकि टीवीए, थैनोस, कैंग ये सारे एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, इनका कनेक्शन कॉमिक में बहुत ज़्यादा क्लोज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे वो क्वेश्चन कि क्या यहाँ पे इवेंचुअली लेडी लोकी हमारी टर्न होने वाली है एक हीरो में या फिर एक एंटी हीरो में, जहाँ पे वो टीवीए का साथ नहीं भी देगी लेकिन उसका मकसद जो है, जैसे हमें कार्ली मॉर्गन था जो कि द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमें नजर आई थी कि कैसे उनको एंड में हीरो बनाकर रख दिया गया था, हालांकि वो मर गई थी लेकिन उनका मिशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ, वो कुछ नेक इरादे से आई थी, ऐसा हमें एंड में पता चलता है, लेकिन पूरे सीजन में हमें यही लगा कि ये फ्लैग स्मैशर्स है ना बहुत यार कट्टर विलन्स है, लेकिन ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि होने वाला है सिविल के कैरेक्टर के साथ या फिर लेडी लोकी के कैरेक्टर के साथ, कि स्टार्ट में तो एमसीयू शायद हमें अभी विलन दिखा रहा है, आने वाले एपिसोड्स में भी ऐसा ही होगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे चौथा पांचवा और छठा एपिसोड आएगा वहां पे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में सिविल जो है ये किसी नोबल कॉज की वजह से कर रही थी या फिर किसी ऐसे रीजन की वजह से कर रही थी कि उसका अपने ऊपर जो है कंट्रोल नहीं रहा या फिर किसी बड़े विलन के लिए वो काम कर रही है। तो गाइज आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और आपको एक क्यू एन ए वीडियो कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बी मार्वेलस।